नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो मनोविज्ञान वाला सेशन चल रहा था, उसका आज हम दूसरा लेसन बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का आज पार्ट छठवां वीडियो होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये छठवां वीडियो है। पांच वीडियो जो इसी टॉपिक से रिलेटेड, पांच वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है प्राइमरी सुपर टेट में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। उसी चीज़ की तैयारी में जो यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, उसी में वन लाइनर पोर्शन की तरह ये टॉपिक दिया गया है, उसी के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर सुपर टेट के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। पिछली वीडियो बुद्धि से रिलेटेड थी, आज ये वाली वीडियो व्यक्तित्व से रिलेटेड है। और आज ही जो दूसरा लेसन है मनोविज्ञान का, वो समाप्त हो जाएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, तब हम तीसरे लेसन पर चलेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें कि प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको विभिन्न नोट्स पीडीएफ चाहिए, फ्री में उपलब्ध हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए डायरेक्टली टेलीग्राम पर और वहां से वो पीडीएफ आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बहुत से मैंने पीडीएफ नोट्स कंप्यूटर टाइपिंग द्वारा किए गए नोट्स मैंने अपलोड किया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है इंग्लिश में इसका रूपांतरित पर्सनालिटी होता है, जिसको व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन उसको पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से लिया गया है। और परसोना शब्द का अर्थ होता है मार्क्स, नकाब जिसको आप कहते हैं, मुखौटा जो पहना जाता है, जो ये क्या कहते हैं, ये स्टेज पर जो अपना प्रदर्शन करते हैं वो सब ये पहनते हैं, उसी चीज़ से रिलेटेड ये किया गया है। हालांकि ये व्यक्तित्व अलग है और वो व्यक्तित्व अलग होता है। आगे चलते हैं, पॉइंट को समझते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वय रूप है। जेपी गिलफोर्ड ने महोदय ने क्या था परिभाषा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व मूल्यों की साधारण विधि प्रश्नावली विधि होती है। व्यक्तित्व मूल्यों की साधारण विधि की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व मूल्यों की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है केस स्टडी होती है। केस स्टडी को हिंदी में हम इतिहास विधि भी कहा जाता है, या इतिहास गाथा विधि भी कह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चे की जब आप स्टडी करते हैं, जानकारी ज्ञान करते हैं, तो उसके परिवार से, उसके दोस्त से, उसके आसपास के जो पड़ोस होते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, तब आप बता पाते हैं कि उसकी जो विलक्षण प्रवृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो क्यों है, उसी को केस स्टडी कहा जाता है। बाकी चीज़ें अचेतन मन का सिद्धांत दिया है तो एडलर महोदय ने दिया है अचेतना का सिद्धांत। अचेतन शब्द की बात करें तो सिगमंड फ्रायड पर जाइएगा, लेकिन अचेतना का सिद्धांत तो एडलर महोदय, ध्यान रखिएगा। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन जो है फ्रायड महोदय ने किया है। लिबिडो को हिंदी में काम प्रवृत्ति कहा जाता है, जिसे सेक्सुअल वो कहते हैं ना, उस चीज़ को लिबिडो कहा जाता है। और ये लिबिडो शब्द जो है, इनका कहना था, फ्रायड का कहना था कि बच्चे के अंदर जन्म से ही ये क्षमताएँ पाई जाती है, लिबिडो भंडार होता है, लेकिन वो हर स्तर में अलग अलग प्रवृत्ति कर इसकी जो है संतुष्ट करने का कार्य करता है, लिबिडो को, काम प्रवृत्ति को अपने। अगला पॉइंट, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो व्यापकता होती है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और मानक होता है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से तीन विशेषता दे दिया जाता है, एक नहीं रहेगा, वहीं आपको चुनना रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता व्यक्तिगत रूप से कैसे होते हैं, तो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं। समाज में मिलना घुलना, लोगों से मिलना जुलना ये पसंद करते हैं, बहिर्मुखी वाले व्यक्ति वाले ये होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता के प्रमुख संबंध है तो तात्विक संबंध होता है, तादात्मक संबंध होता है, माता पिता और बच्चे में संबंध की बात करें तो फ्रायड के अनुसार। तादात्मक का मतलब होता है कि पुत्र का माता से और पुत्री का पिता से प्रेम होता है, ध्यान रखिएगा। आगे उसको हम बात करेंगे उस चीज़ों पर, जैसे कि इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि वाली बातें होती हैं उस पर हम बात करेंगे। टी
की रचना, टीएटी की रचना जो है किसने किया था, तो मोर्गन और मुरे नामक वैज्ञानिक जो हैं इन्होंने टीएटी की रचना की थी। इसको हम कहते हैं थेमेटिक ऑपरेशन टेस्ट भी इसको कहा जाता है, टीएटी परीक्षण को थेमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण भी कहा जाता है। मोर्गन और मुरे 1935 में यह दिया था। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है मास्लो से। आत्म प्राप्ति, जो अब्राहम मास्लो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया था आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो पांचवी ऊपर की अवस्था होती है, पांचवी स्तर की जो अवस्था होती है उसी को यहाँ पर बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए अब्राहम मास्लो का जो है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत भी उसको कहा जाता, जहाँ यहाँ पर दिया गया है आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो, मास्लो नाम दिया है तो घबराइएगा मत, मास्लो ही है वो। टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो 31 कार्ड होते हैं, मैंने अभी बताया थेमेटिक ऑपरेशन टेस्ट जिसको कहते हैं प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण, इसमें 31 कार्ड होते हैं। और रोशा अगला क्या कह रहा है कि रोशा मार्च परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है रोशा मार्च परीक्षण, या रोशा स्याही दब्बा परीक्षण भी इसको कह सकते हैं। हरमन रोशा नामक वैज्ञानिक ने 1921 में दिया था। 10 कार्ड इसमें होते हैं और काले, सफ़ेद और लाल, तीन रंग के कार्ड इसमें होते हैं, काला, लाल, सफ़ेद, ठीक। हरमन रोशा मनोवैज्ञानिक है, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड काफ़ी अच्छी जगह है घूमने लायक। मांग का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो मास्लो है, अब्राहम मास्लो का नाम सुने होंगे ना, मांग का सिद्धांत उन्होंने दिया था। अभी मैंने उसको बात किया था कि इन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया था ना, तो इन्होंने 5 प्रकार की जो है आवश्यकताएँ व्यक्ति के अंदर बताई थी, जैसे कि नीचे से क्रम से होते हुए शारीरिक आवश्यकता जिसको दैहिक कहते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह संबंध की आवश्यकता जिसे हम सामाजिक आवश्यकता भी कह सकते हैं, सम्मान की आवश्यकता, और लास्ट वाली थी आत्मसिद्धि आवश्यकता। तो इसमें उच्च स्तर की आवश्यकता होती है और निम्न स्तर की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखिएगा उच्च स्तर की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो आत्मसिद्धि हो जाता है, निम्न स्तर की आवश्यकता की बात करें तो शारीरिक या दैहिक आवश्यकता हो सकता है। आगे इस पर चर्चा किया जाए का पॉइंट आगे भी दिए गए हैं। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादन आलपोर्ट महोदय हैं, तो ध्यान रखिएगा शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक, तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, शील गुण का सिद्धांत इन्होंने दिया था आलपोर्ट महोदय। उसके बाद शरीर संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादन जो है शेडलर का आप लोग नाम सुने होंगे, ये तो बुद्धि से संबंधित हैं, शेडलर महोदय, ध्यान रखिएगा शेडलर किससे संबंधित हैं, तो शेडलर महोदय किससे संबंधित हैं, तो सेडलर जो है बुद्धि से नहीं है, ये सेडलर का नाम आता है ना, सेडलर ये व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। सेडलर और क्रेसमर दो वैज्ञानिक है जो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का मापन करते हैं, मैंने गलत बोल दिया आपको, सॉरी इसके लिए। शरीर रचना के सिद्धांत के आधार पर, देखिए शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का मापन के प्रकार बताया था, सेडलर और क्रेसमर दोनों व्यक्ति हैं, यहाँ का सेडलर दिया है, क्रेसमर भी थे, तो ध्यान रखिएगा क्रेसमर जो है 4 प्रकार बांटे थे और सेल्डर जो है 3 प्रकार का बांटने का कार्य किए थे। आगे चलते हैं, ईद अहम और प्रहम का संबंध जो है फ्रायड नामक वैज्ञानिक से, और इन्होंने दिया था ईद अहम और प्रहम, ईद ईगो सुपर ईगो इसको कह सकते हैं। ईद का मतलब होता है कि ये जो है इच्छाएँ जो आपके अंदर होती है, तुरंत किसी चीज़ की चाह रखना, तुरंत किसी चीज़ की चाह रखना, लाभ सुख आनंद तुरंत प्राप्त करना चाहता है और ये अपना स्वार्थ सिद्ध जानता है, जागृत अवस्था की बातें करता है, सुखवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये सब आते हैं, मतलब ये चीज़ें आती हैं, ईद आ जाता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये इच्छाओं की जननी होता है और ये किसी भी चीज़ को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, सिर्फ अपना सिद्ध स्वार्थ चाहता है ईद वाले। अहम वाले क्या करते हैं कि वास्तविक जगत में कार्य करता है और यह ईद और पराहम के बीच जो एक संतुलन का बनाने का कार्य जो है अहम करता है, जिसको ईगो हम कहते हैं, वो ईगो वाला करता है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे और बुरे की पहचान भी यही अहम करता है, और ये पराहम जो हो जाता है, यह पराहम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बलिदान देने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी देश के लिए,
बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आंतरिक मूल्यों का जो अगर प्रकट करता है तो वह पराअहम भी करता है। अपने आंतरिक मूल्यों का प्रकट करने की बात करें तो आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। ठीक, आगे चलते हैं और अगला है TAT परीक्षण कितने घंटे होता है, तो 2 घंटे होता है। थेमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण मैंने बता चुका हूँ। अचेतन तत्व पर अत्यधिक जोर दिया था तो फ्रायड जी ने दिया था अचेतन तत्व पर। इन्होंने 3 प्रकार के बताए थे मन को, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो मैंने बताया ना, तो इसमें से अचेतन मन पर अत्यधिक जोर जो है फ्रायड महोदय ने दिया था। इन्होंने बताया था कि अचेतन मन जो है हमारे शरीर के 90% भाग को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, 90% भाग पर प्रभावित करने का कार्य करते हैं अचेतन। अचेतन में संवेग, मूल प्रवृत्तियां ये सभी पाई जाती हैं। ठीक, दोहराव की प्रवृत्ति जब होती है ना, मतलब कि किसी भी चीज़ को आप बार बार दोहराते हैं तो वो आपके अचेतन मन में चली जाती है और कभी भूलती नहीं है। बस उसको वैसा वातावरण मिलता है तो डायरेक्टली आपके दिमाग में चली जाती है, तो उसी को अचेतन मन कहते हैं। दमित इच्छाएँ जो होती है ना, इसी में पड़ी रहती हैं। दमित इच्छाएँ यानी दमित इच्छाएँ वो होती हैं जैसे कि आप सोचते हैं कि मैं राजा बन जाऊँ, लेकिन जब आप राजा नहीं बन पाते हैं तो वो इच्छा आपका अचेतन मन में जाकर स्थित हो जाता है। बाद में वो जाकर उत्पन्न होता है जब वो ऐसा वातावरण मिलता है तो अचेतन मन की ज़्यादा बात हो गई। अब चलते हैं अहम का संबंध है यथार्थ जगत से। मैंने बताया ना कि वास्तविक जगत में कार्य करता है यह अहम, ईगो जिसको हम कहते हैं। ठीक, अच्छे बुरे की पहचान यही अहम करता है। इद का जो है पाश्विक यानी कि पशु का सूचक होता है। पशु का शुद्ध सुख लाभ आनंद तुरंत प्राप्त करना चाहता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है ये, तो ध्यान रखिए। गांव सहसावस्था में ये ज़्यादा देखने को मिलता है ईद को। अगर हम बात करें तो पराअहम का संबंध की बात करें तो संस्कार और नैतिकता पर आधारित होता है। दूसरों की सुख सुविधा के लिए अपनी नैतिकता का त्याग करना ये पराअहम का कार्य होता है। और हमारे जो आंतरिक मूल्य होते हैं ना, उसको प्रकट करने का कार्य यही करता है पराअहम। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, नैतिक वाली भुजा भी इसको कहा जाता है पराअहम को। TAT परीक्षण की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक मुर्गन और मुरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, थेमेटिक ऑपरेशन टेस्ट या प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण भी इसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थेमेटिक परीक्षण। आगे चलते हैं, और स्याही धब्बा परीक्षण में कौन कौन से रंग, तो लाल, काला, सफ़ेद मैंने बताया ही था। स्याही धब्बा परीक्षण या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण रोसा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अगला पॉइंट है कि व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो परसोना से शब्द से लिया गया है। परसोना, पर्सनालिटी शब्द परसोना शब्द से लिया गया है। परसोना का अर्थ होता है मास्क, नकाब या मखौटा भी कह सकते हैं। बाकी चीज़ें अब आगे चलते हैं। अगला, अब एक एक चीज़ों को समझते हैं। देखिए, प्रक्षेपी विधि मापन करती है, तो यह व्यक्तित्व का मापन करती है प्रक्षेपी विधि। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व का मापन जो है प्रक्षेपी विधि करती है। तो यहाँ से एक प्रश्न ऐसे बनते हैं ना कि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन कौन से मापन आते हैं, ऐसे कई तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि व्यक्तित्व के मापन की तो 3 विधियाँ होती हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि जो है के अंतर्गत कौन कौन से मापन के तरीके आते हैं वो ऐसे इसमें पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि आप, मैंने पिछले बातें कहा था TAT परीक्षण, CAT परीक्षण और SAT परीक्षण, CPT परीक्षण, ये जितने भी परीक्षण होते हैं, अभिव्यक्ति परीक्षण, रचना परीक्षण, ये सब आ जाते हैं प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत। इसमें अचेतन अप्रत्यक्ष माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अप्रत्यक्ष माध्यम से अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधि में। तो ध्यान रखिएगा, IBT लिख लीजिए, IBT इंक ब्लैक टेस्ट जिसको कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण मैंने अभी बात कर रहा था पीछे ही। उसके बाद एक और आता है CAT चाइल्ड ऑपरेशन टेस्ट यानी बाल आत्मबोध परीक्षण। किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। तो CAT परीक्षण, चाइल्ड ऑपरेशन टेस्ट इसको कहते हैं हिंदी में, जो इसको बाल आत्मबोध परीक्षण कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है SAT का मतलब होता है
इसको हम कह सकते हैं सन, इसको कह सकते हैं एस का मतलब होता है सीनियर ऑपरेशन टेस्ट, सीनियर ऑपरेशन टेस्ट। और एक होता है एस सी टी होता है, एस सी टी यानी कि इसको सेंटेंस कंप्लीटेड टेस्ट कहा जाता है, यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण इसको हिंदी में कह सकते हैं। जैसे खाली स्थान वाला भरने का चीज़ें नहीं दिया रहता है, उसी को एस सी टी आप कहते हैं। तो एस सी टी ध्यान रखिएगा और एस ए टी को ध्यान रखिएगा, तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस ऑपरेशन टेस्ट और सेंटेंस कंप्लीटेड टेस्ट इसको कहा जाता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण इसको कह सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सभी जितने मैंने बताया ना, ये सब प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखिए रोशा शाही दबा परीक्षण, ये भी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत ही आएगा। 1921 में हरमन रोशा नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उन्हीं के नाम पर रोशा से रोशा बुद्धि परीक्षण या रोशा शाही दबा परीक्षण कहा जाता है, एक ही चीज़ होता है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित वृत्तियों का योग है, परिभाषा किसने दिया था, तो मार्टन महोदय ने दिया था। अगला पॉइंट है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास का प्रारंभ हो जाता है, तो शैशव अवस्था से ही बालक के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति होते हैं कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान के रूप होते हैं। और अगला पॉइंट है व्यवहार ही व्यक्तित्व है, किसका कथन है, तो वाटसन का कथन है। और व्यवहारवाद के जनक भी कौन है, तो वाटसन है। 20वीं शताब्दी से व्यवहारवाद का जनक माना जाता है प्रारंभ होने का। वर्तमान समय में यही मान्य है व्यवहार ही व्यक्तित्व है, किसका कथन है, तो वाटसन का कथन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का एकमात्र समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ का कथन है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में तीन गुणों का उल्लेख किया गया है, सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण, ये तीन चीज़ों का होता है उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल मुनि है, ध्यान रखिएगा। इतिहास में जब भी पूछा जाता है व्यक्तित्व का विकास शक्ति में उपस्थित, व्यक्तित्व के विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होता है, और ये किसने कहा था, तो अब्राहम मैस्लो ने कहा था। पदानुक्रमिक या आवश्यकता का सिद्धांत या मानवतावादी सिद्धांत इन्होंने की ही देन है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो जैविक कारक, अनुवांशिकी कारक, एक ही चीज़ होता है, और पर्यावरण संबंधी जो कारक होते हैं वो जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व की संरचना में ईद, अहम, पराहम तीनों तत्वों को विशेषता का महत्व बताया था किसने, तो फ्रायड महोदय ने बताया था, सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया था। इनकी एक पुस्तक है काफ़ी फेमस है जिसका नाम है इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम, इंटरप्रेशन याद रखेगा, इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम इनकी पुस्तक का नाम है, उसी में ये व्याख्या किए थे। ईद है सुखवादी सिद्धांत, भौतिक सुख को चाहता है तुरंत, किसी भी चीज़ को स्वार्थी प्रवृत्ति का बालक होता है इसमें, और ये शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को ईद मिलती है। अहम वास्तविक जगत, भौतिक और यथार्थ जगत में कार्य करता है, दूसरों का भला और दूसरों में जो एक नैतिकता वाला भाव उत्पन्न करता है यही करता है। पराहम जो संस्कार और दर्शनों से संबंधित होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है अंतर शक्ति, सामाजिक कर्तव्य निष्ठा इत्यादि क्या है, तो शील गुण होते हैं। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आलपोर्ट ने दिया था, ध्यान रखिएगा। एक तंत्रप्रिय संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तिगत वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं, तो अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। अंतर्मुखी वाले जो बालक होते हैं ना, ऐसे समझिएगा, वो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आदर्शवादी होते हैं और सबसे ज़्यादा चिंतन वही करते हैं जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो अपने में ही खोए रहते हैं, वो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्याही दबा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा, हरमन रोशा के द्वारा, मैंने बताया था कि स्याही दबा परीक्षण या रोशा स्याही दबा परीक्षण एक ही चीज़ होता है। एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाओं में पर्याप्त भाग लेता है, तो उस युंग के इस प्रकार के व्यक्तित्व के वर्गीकरण रखा गया है, तो वह वही मुखी के अंतर्गत।
देखिए, यूंग नामक वैज्ञानिक जो हैं, जो व्यक्तित्व को तीन पार्टों में बांटने का कार्य किए थे, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। तो इसमें से बहिर्मुखी दिया गया है। अब बहिर्मुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मिलनसार होते हैं, दूसरों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, दूसरों से बातें करना पसंद करते हैं, दूसरों के सुख दुख में साथ देना पसंद करते हैं, जैसे नेता हो गए, कवि हो गए, रचनाकार हो गए, ये तो सब बहिर्मुखी वाले होते हैं। ठीक, अब सेडलर के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कौन से व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? तो सेडलर का जो इन्होंने शरीर रचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का मापने का बांटने का कार्य किया था सेडलर महोदय ने। तो इसमें दिया गया है कि एंडोमोरफी के अंतर्गत कैसे व्यक्ति आते हैं, तो मोटे होते हैं, कोमल होते हैं, गोला शरीर वाले और आराम ज़्यादा पसंद करते हैं, वो वाले व्यक्ति होते हैं एंडोमोरफी के मोर्फिक के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा एंडोमोरफिक। अब इन्होंने तीन प्रकार बताया था, उसको भी बता देते हैं। एक होता है एंडोमोरफिक जो कि इसमें दिया गया है, एक होता है एक्टोमोरफिक और एक होता है मेसोमोरफिक। तो याद रखिएगा मेसोमोरफिक, एक्टोमोरफिक और इंडोमोरफिक। एक्टो यहाँ पर सी हो जाएगा, एक्टो ऐसे हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर टी होना चाहिए, एक्टोमोरफिक। ठीक, तो एंडोमोरफिक, एक्टोमोरफिक और मेसोमोरफिक। तो एक्टोमोरफिक, एंडोमोरफिक वाले व्यक्ति जो होते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि मोटे होते हैं, कोमल होते हैं, गोलकार होते हैं, आराम ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्टोमोरफिक वाले व्यक्ति जो होते हैं दूसरों की खाली बुराई करते हैं, शक्तिहीन होते हैं, शक्ति तो उनके पास होती नहीं है। और मेसोमोरफिक जो होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वच्छ होते हैं व्यक्ति, वो आयताकार वाले व्यक्ति कहा जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बस इतनी चीज़ें, एंडोमोरफिक, एक्टोमोरफिक, मेसोमोरफिक। ठीक, अब क्रेशमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स और डाइप्लास्टिक तथा डैश डैश के रूप में बांटा है। तो पाइकिनिक एक होता है, पाइकिनिक। तो चार प्रकार में इन्होंने बांटे हैं, एथेनिक्स, एथलेटिक्स, डाइप्लास्टिक और पाइकनिक या पिकनिक भी कह सकते हैं, पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इन्होंने चार प्रकार के बांटने का कार्य किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये पिकनिक वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, ये भी छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और खेलने को काफ़ी शौकीन होते हैं, सामाजिक होते हैं, बहिर्मुखी वाले होते हैं ये पाइकनिक प्रकार वाले व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद एथेनिक्स वाले जो होते हैं छिड़काएँ होते हैं, कद छोटा लंबा है, दूसरों की बुराई करते हैं, उसी तरह जैसे मैंने सेंट्रल वाले में आपको बताया था एक्टोमोरफी में। उसके बाद एथलेटिक्स वाले जो खेलने में सुडोल होते हैं, खेलने वाले होते हैं, इनकी शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी होती है। और डाइप्लास्टिक वाले व्यक्ति जो मिश्रित होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, एथलेटिक्स और यहाँ दिया गया ना एस्थेनिक और एथलेटिक्स वाले दोनों संबंध इसमें पाए जाते हैं। एक से अधिक विशेषताएं भी कह सकते हैं इसमें पाई जाती है, डाइप्लास्टिक वाले प्रकार में मिश्रित हुए व्यक्ति होते हैं। और आगे चलते हैं, मजबूत मांसपेशियों और हड्डियों वाले सक्रिय परीक्षण तथा साहसी तथा सेडलर के किस वर्ग में आएंगे? तो एक्टोमोरफिक, सेडलर वाले में एक्टोमोरफिक। तो ध्यान रखिए इनका। आगे चलते हैं, स्पेंगर के किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गण किया? तो मूल्यों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। इन्होंने छह प्रकार के इन्होंने बताए हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्पेंगर कई जगह कुछ और भी दिया रहता है। अब आगे चलते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती है, तो वह मनोवैज्ञानिक के आधार पर उभयमुखी और यूंग नामक व्यक्ति ने इन्हें बांटने का कार्य किया था। अब आ जाते हैं, यहाँ पर परीक्षण है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए टीएटी परीक्षण, ये भाग क्यों जा रहा है, जैसे देखिएगा यहाँ पर टीएटी परीक्षण, थेमेटिक आत्मटेस्ट परीक्षण जिसको हम कहते हैं, व्यक्तित्व लक्षण का मापन करता है, रोसा स्याही दबा परीक्षण, अचेतन मन की जो प्रवृत्ति होती है या प्रेरणा होती है उसको मापन करने का कार्य करता है, निष्पादन परीक्षण, अशिक्षित की बुद्धि वाले यानी कि जो शिक्षित वर्ग नहीं होता है उनका मापन किया जाता है, वस्तुओं के माध्यम से ये परीक्षण किया जाता है, निष्पादन परीक्षण,
वाचन शब्द से नहीं, लेखन द्वारा नहीं पापन किया जाता है। इसमें निष्पादन परीक्षण वस्तुओं के माध्यम, जैसे बंदूक चलाना है तो लकड़ी का बंदूक बनाकर चलाकर सिखाया जाता है। मौखिक परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसको शाब्दिक परीक्षण भी आप कह सकते हैं। चिमटी परीक्षण यांत्रिक कौशलों का परीक्षण में चिमटी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और स्मृति परीक्षण स्मृति स्तर का मापन करने के लिए किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो मनोविश्लेषण विधियों में किया जाता है। मनोविश्लेषण विधि किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड नामक व्यक्ति ने दिया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स इनकी पुस्तक है, उसी में इन चीज़ों की चर्चा की गई है। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बहिर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं। मूड एवं सहयोगों में अंतर है, तो मूड होता है अस्पष्ट होता है, मूड अस्पष्ट होता है। अगला पॉइंट है TAT प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण, मर्गन और मूरे ने दिया था। स्याही दब्बा परीक्षण, हरमन रोसा ने दिया था। CAT बाल आत्मबोध परीक्षण या बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण भी कहते हैं, लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। ध्यान रखिएगा इनको नामों को। और शब्द साचर परीक्षण जो व्यक्तित्व का होता है वो 75 शब्द में गार्टल ने दिया था, और 100 शब्द में जो है युंग ने दिया था। अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो इसी आधार पर आप उत्तर मारिएगा, 75 शब्द और 100 शब्दों के आधार पर। क्रॉस आउट परीक्षण प्रेसी ने दिया था। अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण लेयर्ड, मेस्टोन और हेड्रिक और युंग का भी नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा। और मोजेक परीक्षण जो है मार्गरेट लेविड फील्ड ने दिया है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है क्रेचमेर जो कि विद्वान हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व के चार प्रकार किस आधार पर बताए हैं, तो शारीरिक संरचना के आधार पर। क्रेचमर का नाम हुआ है, क्रेचमर दिया है, क्रेचमर एक ही चीज़ होता है। शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को चार भागों में बांटने का कार्य किया है, पिकनिक प्रकार का, एस्थोनिक प्रकार का, एथलेटिक्स प्रकार का और डाइप्लास्टिक प्रकार का। ये चार प्रकार में इन्होंने बांटने का कार्य किए हैं शरीर रचना के आधार पर। अगला पॉइंट मिनेसोटा बहुपक्षी व्यक्ति सूची MMPI का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हाथवे और मैकिनले ने किया था। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसको साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड उसको कहा जाता है। और अगला पॉइंट है कि बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो केस स्टडी के बारे में मैंने बता चुका हूँ। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बालकों के शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना होता है शारीरिक शिक्षा में। और अगला पॉइंट है कि विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि बालकों को स्वस्थ रखना विद्यालय का भी दायित्व होता है। और अगला पॉइंट है कि मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक में इन्होंने बताया था। बालक की मूल शक्तियाँ का प्रधान कारक है वंशानुक्रम, जो मूल शक्तियाँ उनसे होती है वो वंशानुक्रम से ही मिलती है। और अगला पॉइंट है कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों S. Jalota इनका नाम है द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है S. Jalota जो है भारतीय मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा दिया गया है, और यह एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। सामूहिक में भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा। DRA-MN परीक्षण मूलतः किसके द्वारा दिया गया? तो Good-NF के द्वारा दिया गया है, DRA-MN परीक्षण दिया गया है। और अगला हमारा पॉइंट है कि आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया था? तो मैस्लो के द्वारा दिया गया था। मानवतावादी सिद्धांत या आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं और अगला है SOR का निम्न में से किसकी देन है? तो वुडवर्थ महोदय की देन है। और अगला है व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक J.B. वाटसन है, व्यवहारवाद के जनक भी इनको जाना जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन तीन स्थितियां कौन कौन सी है? तो चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ये तीन स्थितियां जो है मन की होती है। ईद, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है किसने माना है? तो सिगमंड फ्रायड ने माना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, राज के अनुसार शैशवावस्था 1 से 6 वर्ष की होती है, वाटसन के अनुसार संवेग होते हैं, तो संवेग जो है जन्मजात होते हैं। और केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, ये किसने बताया था, मृत्यु जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको हम फ्रायड महोदय ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा केवल 2 प्रकार की जो है इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताए हैं, कौन, तो सिगमंड फ्रायड जिसको हम थेनाटोस को मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं और इरोस को हम जीवन मूल प्रवृत्ति कहते हैं। 2 प्रकार का इन्होंने बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने। अगला पॉइंट है पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, तो पर्सोना से शब्द से लिया गया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां की बात करें तो आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, ये 3 विधियां ही मानी जाती है व्यक्तित्व मापन की, मैंने बताया हूँ आप लोगों को लिए। और व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत है, जैसे मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। शारीरिक रचना का सिद्धांत, सैडलर और क्रेस्मर ने व्यक्तित्व का मापन शारीरिक रचना के आधार पर किया है, तो ध्यान रखिएगा। शील गुण का सिद्धांत, आलपोर्ट महोदय और कैटल महोदय, ये दोनों लोगों ने शील गुण का सिद्धांत दिए हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा व्यक्तित्व के लिए है। और अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का ही नाम आता है। मांग का सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो और इनके सहयोगी एचएन मूरे ने थे। मैस्लो के मूल मांग में कितने अभिप्रेरक थे, तो 5 अभिप्रेरक थे। मैंने आपको बताया था कि 5 अभिप्रेरक थे और वो भी क्रम के रूप में होते हैं। पहले व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकता की जरूरत होती है, जैसे नीचे दिया गया कि दैहिक आवश्यकता को ही शारीरिक आवश्यकता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा मांग सर्वाधिक प्रबल होता है, तो दैहिक मांग जिसको शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। उसके बाद सबसे कमजोर मांग जो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, वो सबसे कमजोर मांग होती है। क्यों कमजोर होती है, क्योंकि कम ही लोगों को ये आवश्यकता पूर्ण होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता ये सबसे ऊपरी स्तर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा इन्होंने 5 क्रम में ऐसे बताए हैं, जैसे यहाँ पर मैं डिजाइन भी बना देता हूँ, यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता, फिर यहाँ पर शरीर को सुरक्षा देने की आवश्यकता, फिर समाज में संबंध बनाने की आवश्यकता, और फिर यहाँ पर आ जाता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, उस समाज में सम्मान चाहता है, और लास्ट में आ जाता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह क्रम में इन्होंने निर्धारित किए गए हैं, इनका क्रम ज़्यादा पूछता है। तो ध्यान रखिएगा कौन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक को आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं, तो अब्राहम मैस्लो ही माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये थे हमारा जो 2रा लेसन बालक को प्रभावित करने वाले कारक के टॉपिक का 6वां पार्ट था, और वो भी समाप्त हो गया। जल्द ही हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।